Now, in sets today, I have taken your the next topic, practical problems of union and intersection of two sets. Practical problems means word problems, जिनको आप कहते हैं. जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब आप इक्वेशन लिखते हैं तो एक सिंबल इक्वेशंस की होती है, एक वर्ड इक्वेशन होती है. ऐसे यहां वर्ड इक्वेशंस को आपने सिंबल इक्वेशंस में आपने चेंज करना है. तो नाउ फर्स्ट यू राइट डाउन द फॉर्मूलास व्हिच जनरली वी हैव टू यूज फॉर दिस. तो नाउ लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी फाइनाइट सेट्स, मीन्स द लास्ट एलिमेंट मस्ट बी मौजूद एंड अपना प्रेजेंट किया. एंड यू बी फाइनाइट, दिस द यूनिवर्सल, दिस इज सेट. देन एंड ए यूनियन बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. क्लियर? नाउ एन, ये देखो आपका नाम, दिस ये जो आपका एन आपका कर रहा है रेफर, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. या यू कैन राइट एन ए एन बी एन ए यूनियन बी एन ए रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉमा बी कॉमा ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी रिस्पेक्टिवली. अब बच्चे कहते हैं सर इसका जरा एग्जांपल तो बता दीजिए. A is equal to 1, 2, 3, 4. This is a set. I'm talking about the example. B is the another set. This is upper 4, 5, 6, 7. So now, yeah, this is. So how many members it has? 4. So now, that's why L, A is equal to 4. Clear? No. B, this is the another set. How many members it has also? 4. The number of elements of set A and number of elements of set B. Now, you are going to be connected. Or aapka A or B, aapka naam dekho. Iska matlab kya hoga? 1, 2, 3, 4, the unit, 4, 5, 6, 7, equal to A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. After finding A union B, now how many members it has? 7. So now, it's going to N, A union B is equal to 7. Clear? Then, A intersection B is equal to A, 1, 2, 3, 4, and now intersection of 4, 5, 6, 7. Which one is the common element? 4. Common element is 4. This is the matter of this is here. Only one element. This is number of elements of A intersection B is 1. 1. Not 4. Is it telling? Ab aapka dekho. Agar ye formula aap use karne to this n a unit B is equal to N A plus N B minus N A intersection B. How much? It was 7 equal to. It was 4 and it was 4 plus 4 minus 1. So 7 is equal to 7. So then it is verified. Is it clear? To be verified. No, this is not. If capital A and capital B are any two finite disjoint sets.
द सेम सेट का मतलब व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट, जीरो है जब कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो मतलब जीरो नहीं जब कोई नो एलिमेंट्स आर देयर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने, तो आपका डिस्टेंस सेट होता है अपना उस समय आपका क्या होता है आपका देखो ना दिस इज एन ए यूनिट बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इन दिस ए यूनियन बी जो होगा आपका फाइव सेट होगा फाइव सेट इंटरसेक्शन बोला तो जब आपका इंटरसेक्शन ही फाइव हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इक्वल टू जीरो कुछ भी नहीं तो वेन यू विल कीप द जीरो इसका मतलब अब आपने डिस्टेंस सेट बोला था क्लियर सर फाइन यू प्लीज कम टू द थर्ड पॉइंट अपन नाउ लुक एट दिस इफ ए एंड बी आर नॉट डिस्जॉइंट्स देन नंबर ऑफ अपन नाउ एलिमेंट्स आपका इन सेट ए क्या हो जाएगा इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन इसका मतलब क्या हुआ विच आर नॉट इन बी सेट ये मतलब एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी की अगर आप बात करते हैं इसका मतलब इक्वल टू एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए भी कर सकते हैं अपन जैसे विच आर नॉट इन सेट ए ये मतलब इसका क्लियर हो गया नाउ यू प्लीज कम टू द फोर्थ वन अपन इसका मतलब एन ए माइनस बी डिफरेंस डिफरेंस सेट मीन्स कि द एलिमेंट ऑफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट बी आपका होना चाहिए आपका ना देखो ऐसे कर तो ये और प्लस अगर आपका एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा तो ये इक्वल टू आपका एन ए यहाँ पे ए व्हाट इज दिस नाउ वेयर ए माइनस बी एस difference of set A and B set B clear इसके बाद and A delta B A triangle B इसका मतलब what is this this is the symmetric difference clear तो इसके लिए जब आपका number निकालना होगा वैसे symmetric के लिए क्या कर रहे थे आप A आपका equal to आपका क्या था a माइनस बी यूनियन बी माइनस ए यही करते थे अपन लेकिन यहाँ पे जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे अपन ना देखो तो ये इस वाला क्या होगा एन ए प्लस एन बी माइनस टू एन इंटू ए इंटरसेक्शन द नेक्स्ट वन इज एन ए कॉम्प्लीमेंट अगर आपको निकालना होगा इसका मतलब एन यू माइनस एन और वैसे भी कॉम्प्लीमेंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इट मींस इट मस्ट हैव द यूनिवर्सल सेट एंड फ्रॉम यूनिवर्सल सेट यू हैव टू व्हाटएवर यू आर अगर बी आप निकाले कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस बी निकालते इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट सी कॉम्प्लीमेंट तो आपका यूनिवर्सल माइनस सी हो जाएगा इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट तो आपका यू माइनस ए हो जाएगा क्लियर हो गया सर इसके बाद this n a intersection b complement agar aap nikal rahe b complement iska matlab n a minus n a intersection b if you are going to find out n a complement union b complement agar aap nikal rahe this will be written as n a intersection B का कॉम्प्लीमेंट या फिर
हाँ, ये निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एन यू माइनस एन, आपका देखो ना ए इंटरसेप्शन के एन नाइंथ वन आपका ना एन ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगर इफ यू टू फाइंड आउट इसका ना एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, एंड फॉर फाइंडिंग दिस एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन बी, एंड द लास्ट वन इज इफ कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर थ्री, देखो फ्रेंड्स आर थ्री फाइनाइट सेट्स, अगर तीन सेट्स आपके पास है एंड यू हैव टू फाइंड आउट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आपको ये फाइंड आउट करना है इसका मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी सेट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी सेट माइनस, माइनस आप चाहें आप करो ये ब्रैकेट कर ली लगा दीजिएगा तो आपका एन इंटू ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन, देखो ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी सॉरी C इंटरसेक्शन आपका ना देखो ए करली ब्रैकेट या माइनस दिस माइनस दिस माइनस माइनस यहां पे करना उससे एंड प्लस फिर इसके साथ ही एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट ए यूनियन बी यूनियन सी, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन दैट इज दिस वन, तो दीज आर द 10th फॉर्मूला फॉर दीज practical problems on union and intersections. Clear, sir? Ab iska sawal kaise karenge? Main aapko bata dunga. Dekhiye. Now, this is called the practical problems. Aapka naam dekho, this is the word equation ki tarah aapka naam. Statement aapka hai. Aapka naam. Word problems hai. फ्रॉम द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, 45 बच्चों की क्लास है, उस 45 बच्चों की क्लास में 30 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल, ईच स्टूडेंट प्लेस एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हू प्लेस बोथ द गेम. अब एक आपका नाम जिसका कॉमन सेंस बिल्कुल खत्म हो गया, वो कहेगा सर यहाँ 45 यहाँ तो 30 क्रिकेट लाइक कर रहे हो, 20 आपका नाम लाइक फुटबॉल, तो 30 प्लस 20 तो 50 हो गया जनरल, जबकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हाउ मेनी यू हैव 45. इसका मतलब जो ये 50 दिख रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई पांच ऐसे होंगे बंदे जो दोनों खेल रहे होंगे, एक सिंपल से इसमें आर्ग्यूमेंट तो कोई है ही नहीं आता. अब दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई टू मैथ, एक डायरेक्ट आपका करेंगे एक वेन डायग्राम से भी आप इसको कर सकते हैं, तो दोनों मेथड से आप देखिए. तो फर्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई कि जैसे क्रिकेट के लिए सी कर दो, फुटबॉल के लिए आपका एफ कर दो, तो ना देखो दिस वेन यू विल डू द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन आपने किया, लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स आपका देखो ना ये देखो इधर टू प्ले क्रिकेट, इसको आपका सी से डिनोट कर दीजिए, ठीक है सर, एंड लेट द सेट ऑफ स्टूडेंट हू प्ले फुटबॉल दिस यू डिनोट बाय एफ कर दीजिए, कैपिटल सी कैपिटल एफ कर दीजिए, ठीक है सर. इसका होता है देयर, अब जरा क्वेश्चन को थोरोली पढ़िएगा आपका ना देखो सर, तो सेट ऑफ स्टूडेंट्स who play at least language, जब तक आप नहीं समझोगे ना वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं कर सकते हैं अपन. एटलीस्ट वन गेम, एटलीस्ट वन गेम, इसका मतलब क्या हुआ
सी यूनियन आपका एफ हो गया, क्लियर। एंड सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ इक्वल टू, जो दोनों दोनों खेलते हैं, इसका मतलब कॉमन। आर यू सेटिस्फाइड विद मी सर? मेरे साथ आप संतुष्ट हैं जैसे मैं करा रहा हूं? आप देखो देन नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका, देखो ना इन क्रिकेट कितने हैं 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फुटबॉल 20, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका नाम देखो 10,000 ए एटलीस्ट 45। आपको निकालना क्या है, एन ए सॉरी एन सी इंटरसेक्शन आपका एफ आपको निकालना। द फर्स्ट फॉर्मूला यहां कर दिया, एन सी यूनियन एफ इज इक्वल एन सी प्लस एन एफ माइनस एन सी इंटरसेक्शन एफ। गॉट इट? नाउ अब ये हो गया, दिस इज 45, नाउ इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 30 प्लस दिस इज 20 एंड माइनस दिस एन सी इंटरसेक्शन एफ, ट्रांसपोज करिएगा ना, तो दिस इज एन सी इंटरसेक्शन एफ इज 50 एन माइनस 45 विच इज नोन एज 40 ऑन ट्रांसपोजिशन, प्लस इज कमिंग ऑन द राइट हैंड साइड सो इट्स साइन विल बी चेंज, दिस नेगेटिव इज गोइंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो इट्स साइन विल बी चेंज, तो नेगेटिव विल बी चेंज इन द पॉजिटिव। Got it, sir? It's got a dust. Five students play. Apka naam kya? Both the kids. आप इसी क्वेश्चन को अगर सेकेंड मैथड से आप करना चाहते हैं तो लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू प्ले या हु प्ले बोथ द गेम्स, जो आपको निकालना है या अपने आप स्पेसिफाई कर, इज इट क्लियर? आप देखो नाम दस हजार, इसका मतलब दस ये आपका होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट इक्वल टू 30 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल इक्वल 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। एंड नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आपका कितना हो गया 45, ठीक है सर। अब देखिए दिस इज सी, दिस इज एफ फुटबॉल, लेट द नंबर ऑफ हु प्लेज बोथ द गेम, बोथ द गेम क्या देखिए बोथ द गेम दोनों तो कॉमन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लेज ओनली क्रिकेट 30 minutes and the number of students who plays only
are to come. Total number of students equal to accounted for this accounted for 45 is still equal to 30 minus x plus x equal to t plus 20 minus x is equal to 45 total number. देख रहे हैं ये खलास है intersection आपका एफ था. वन क्वेश्चन कैन बी डन बाय. तो ये अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते. इज इट क्लियर? फाइन. देन द अदर अनदर क्वेश्चन आई हैव टेकन. देयर आर 22 बॉयज इन क्रिकेट टीम, 25 बॉयज इन हॉकी टीम एंड 30 बॉयज इन फुटबॉल टीम ऑफ द स्कूल. इफ 15 बॉयज प्ले हॉकी एंड क्रिकेट, 16 बॉयज प्ले आपका हॉकी एंड फुटबॉल एंड 13 बॉयज फुटबॉल एंड क्रिकेट, फुटबॉल एंड क्रिकेट आपका देखो ना, एंड 9 बॉयज ऑल थ्री, यानी कि फुटबॉल भी हॉकी भी क्रिकेट भी. देन फाइंड द, ये दिस टी जो डी है दिस इज टी एच जो रेफर करेगा टोटल नंबर ऑफ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स. तो कितने आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे तो जरा आप करिए. तो पहले आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स और नहीं कर पाएंगे देन आई विल टेल यू. प्लीज नाउ फर्स्ट यू स्पेसिफाइड आप करना, देखो सॉल्यूशन यहां कर रहा हूं बिल्कुल. लेट द स्टूडेंट्स हु आर इन क्रिकेट टीम इज इक्वल टू 6. लेट द स्टूडेंट्स हु आर इन अपना क्या हॉकी टीम इज इक्वल टू. Let the students who are in football team is equal to 5. Football ही है पहले तो. अब now you come from the bottom, bottom से आइए. क्या कह रहा है? 9 boys all 3 अपन तीनों games खेलते हैं अपन आगे. तो now इसमें 9 boys play all 3 games. तो therefore and C intersection X intersection F is equal to 3. अब आप आइए यहां से शुरू करें. क्या कह रहे हैं? 15 बॉयज प्ले अपना क्या हॉकी एंड क्रिकेट, ठीक है ना? तो हॉकी एंड क्रिकेट है. अब आपका देखो इसका होगा सी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना 15 और माइनस 9 इज इक्वल टू 6. इसमें अपना क्लियर हो गया. इज इट क्लियर हो गया सर? नाउ अब क्या है आगे देखिए. 16 बॉयज प्ले क्या लिखा हुआ हॉकी और प्लस फुटबॉल. तो देयरफॉर आपका क्या होगा एच इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू अपना देखो जैसे. क्लियर है? इसमें से भी 16 माइनस 9 हो जाएगा. 16 माइनस 9 का मतलब 7. इसमें आगे देखिए इसके बाद क्योंकि कॉमन है ना, कॉमन है. रेडी माय पॉइंट. इसके बाद अपना व्हाट द 13 13 बॉयज प्ले व्हाट फुटबॉल एंड क्रिकेट. तो ना इट मींस एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 13 माइनस 9 इज इक्वल टू हो गया क्लियर. अब आप आइए देखो टॉप पे आइए. अब देखो
देर आर 22 बॉयज इन आपका क्या क्रिकेट टीम हो गया आपका नाम, इसका मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट से क्या समझ रहे हैं आपका नारे बदल से जो क्रिकेट आपका इसका था 22 बॉयज आपका प्ले क्या कर रहे हैं आपका ना क्रिकेट खेल रहे यही आपका तो 22 बॉयज आपका ना बल्कि मैं इसको खेलेगा तो 22 बॉयज सॉरी 22 माइनस जरा देखिएगा इसमें क्या होगा 22 माइनस 6 plus 9 plus 4 इक्वल कितना हुआ सर 9 plus 4 13 आपका कितना हुआ 3 तो 3 ये 3 का मतलब क्या होगा विल बी रिमेनली इन सी खाली सी में पर समझे सर अब इसका मतलब 25 बॉयज क्या लिखा क्वेश्चन में प्ले व्हाट क्या कर रहे हैं हॉकी सो 25 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना हुआ 25 प्लस इसका माइनस कर दीजिएगा कितना हुआ सर 7 कितना हुआ 3 तो ये आपका क्या होगा इट विल बी रिमेनली इन हॉकी दैट्स वेरी फनी अब नाउ उसके बाद देखिए आपका नाम क्या 30 बॉयज सॉरी प्ले आपका नाम फुटबॉल सो 30 माइनस कितना करेंगे बताइए 4 प्लस 9 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हुआ 10 will be remaining in football हो गया क्लियर सही भाई फिर से बता दो 22 22 बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो 22 में से माइनस क्यों करा ये आपका जो 6 है देखो ये जो आपका क्रिकेट प्लस आपका ये भी खेल रहे हैं आपका देखो ना 9 आपका जो कॉमन है और आप करोगे फुटबॉल के साथ भी आया इज दैट क्लियर हो गया क्लियर ना अब ना बोलो तो इसका था टोटल नंबर ऑफ आपको क्या के निकालना है प्लेयर्स तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स में आपके क्या हो जाएंगे 3 देखो ए ये देखो 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 7 और प्लस 10 ऐड करेगा कितना हो रहा है 38 नहीं एक बार और काउंट करें अरे 9 and 9 आपका कितना हो गया 18, 19, 20, 21, 21, 32, 32, 42 इसका मतलब अब इसको चेक करवा दू ये 3 दिस इज ये क्रिकेट ये हॉकी और ये फुटबॉल देखिए 9 तो देखो ये 9 ठीक है ये देखिए क्रिकेट और हॉकी में कॉमन ठीक है सर उसके बाद क्रिकेट और फुटबॉल में कितने कॉमन है 4 हो गया तो देखिए यहां देखिए
9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 6 इज 19, कितने थे 22। आ गया क्रिकेट का पार्ट। देखिए अब इसमें देखिए फुटबॉल और हॉकी में, फुटबॉल और हॉकी में कितने थे 7, ठीक है। अगर 6 प्लस 9 इज 15, 15 प्लस 7 इज 22, कितने थे हॉकी में 25, तो कितने रहे। आ गया इसके बाद 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 7 इज 20, फुटबॉल में कितने थे 30 थे। वेन डायग्राम देखिए आपका ना, इज इट क्लियर। देखिए रोम इज नॉट बिल्ट इन वन डे, मैथमेटिक्स या आइदर एनी वो एनी वन इवन देन आपका इफ यू आर आपका स्टडिंग द केमिस्ट्री फिजिक्स हिंदी वट एवर द सब्जेक्ट्स यू हैव, इट ऑलवेज आपका वॉन्ट्स द प्रैक्टिस। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा वो उतना ज्यादा आपका सक्सेस होगा लाइफ में, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। इसीलिए कहा रोम इज नॉट बिल्ट इन अ वन डे एंड नेवर कैसल इन द एयर, हवाई फायर कभी नहीं करनी, हमें प्रैक्टिस करना है। आपने कुछ नहीं करना, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग मोर अपन योर। दो सवाल पहले ही फॉर्मूलों को याद करें पूरे के पूरे, अपने 11 फॉर्मूला अपना 10 फॉर्मूला यू हैव टू अपन फॉर प्रैक्टिकल आपका प्रॉब्लम्स, और उसके बाद ये दो क्वेश्चन आप घर में जाकर के रिविजन कर लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू, राइट डाउन करिएगा। इन ए वर्कशॉप ऑफ 200 पर्संस कॉमा करके 58 इंडियन फीमेल्स एंड 46 मेल हैव पार्टिसिपेटेड, फुल स्टॉप। देयर आर 8 इंडियन डॉक्टर्स, देयर आर 8 इंडियन डॉक्टर्स इन दीज एंड 48 आर आइदर मेल और फीमेल डॉक्टर्स, फुल स्टॉप। देयर इज नो डॉक्टर इन कमेटी, देयर इज नो डॉक्टर इन कमेटी, फुल स्टॉप। फाइंड हाउ मेनी फीमेल डॉक्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग, फाइंड हाउ मेनी फीमेल डॉक्टर्स आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दिया है वर्ल्ड प्रॉब्लम का, बिल्कुल अपनी मेहनत से करिएगा, नहीं आएगा आई विल टेल यू ऑन टुमारो। फाइन सर, क्लियर, हैव ए नाइस इवनिंग।